नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस के सभी चरणों का एग्जाम समाप्त हो चुका है और बहुत सारे लोग इस असमंजस में पड़े हैं कि हम फिजिकल के लिए तैयारी करें नहीं करें, हमारा रिजल्ट होगा नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसी पेच में फंसे हुए हैं, कुछ लोग फिजिकल के लिए ग्राउंड भी पकड़ चुके हैं। तो क्या कुछ सेफ स्कोर रह सकता है, पेपर का एनालिसिस क्या था, ओवरऑल देखे 7 से 28 तक तो पेपर लेवल क्या रह सकता है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ बिहार के दरोगा गुरु रहमान सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहली बार ऐसा देखा गया है कि ओवरऑल अगर देखें 7 से 28 तक तो बोल सकते हैं कि एग्जाम पारदर्शिता के साथ हुआ है सर। देखिए, एक तो बात आप सही कह रहे हैं कि पहली बार नहीं, बहुत बार एग्जाम पारदर्शिता से हुई है। आपको अब शिशिर सिन्हा भी अध्यक्ष रहे हैं, रामाश्रय यादव भी अध्यक्ष थे, उसमें कुछ इस तरह की ईमानदारी से परीक्षाएं हुई थी। इस बार की परीक्षा ईमानदारी से होना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बात है। ये चैलेंज था सरकार के नाक की प्रस्ती, आयोग के नाक के प्रस्ता। खैर, उसमें सरकार अपने आप को बचाने में सफल रह गई। सरकार बेचारी काम करती है, कर रही है, बीपीएससी प्रशासन इसको बचाने में रह गए, आपको बचा दिए। प्रश्न ये नहीं है कि चोरी नहीं हुआ। कट ऑफ का टोटल निर्धारण होता है जब अलग अलग फेज में परीक्षा होती है, तो अलग अलग फेज था, अलग अलग फेज था, अलग अलग जिला था, अलग अलग प्रश्न पत्र थे। दैट इज द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार। मैंने तो देखा है पूरे भारत के, नॉर्थ इंडिया के एग्जाम के बारे में मुझे पता है, मैंने देखा है पहली बार थी। मतलब जब से आप पढ़ा रहे हैं तब से पहली बार, उसके पहले तो हुआ ही नहीं होगा। 79 में तो यूपीएससी में, बिहार के पुलिस के इतिहास में पहली बार, पूरे उत्तर भारत के पुलिस के इतिहास में, दक्षिण भारत का परीक्षा का पैटर्न हम नहीं जानते। मतलब हर जिला में अलग अलग, हर जिला में अलग अलग सेट, ये पहली बार थी। एक अद्भुत प्रयोग था, अद्भुत सफलता है। एक कारण कट ऑफ का कम जाने का कारण हम बता रहे हैं। दूसरा कारण कि 32% कुल 32.9% लड़का है जो कि उपस्थित नहीं हुआ है। 32% मतलब 68% छात्र उपस्थित हुए। 68% छात्र उपस्थित हुए। अच्छा, यानी कि आप मान लें कि 12 लाख, छोड़ दीजिए 12 लाख, 10 लाख। कट ऑफ मैंने पहली बार जो बताया था उस दिन अनायास निकल गया, क्योंकि जगह जगह से धांधली की खबरें आ रही थी। और जो छात्र निकलते हैं 80 से नीचे बताते हैं, 80 से नीचे बताते नहीं है। तो उसके बाद जब 12 पर ये पता चला कि इस तरह का आधार है, तो मैंने जो कट ऑफ बताया है 60 से 65 ये किसका कट ऑफ, कट ऑफ जनरल का कट ऑफ आपको रहेगा। मतलब 60 से 65 जनरल मेल का कट ऑफ, मेल का कट ऑफ रहेगा, मेल कट ऑफ। अब 50 से 55 हम बताए थे, 50 से 55 आपको महिला का बताए थे। अच्छा, आपको हम बताए थे। एक बात आपको स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें कैटेगरी वाइज जो घटेगा, मैंने बताया आपको पहले वीडियो में बताया है। मैंने जो कट ऑफ बताया है सारे फेज के, सबसे आसान फेज के क्वेश्चन को देखकर। अच्छा, मतलब सारे फेज के आसान क्वेश्चन को देखकर आप बता, सबसे जो आसान क्वेश्चन उसका कट ऑफ मैंने बता दिया 60 से 65। हाँ, बता दिया मैंने कट ऑफ। हाँ, मैं पलटूंगा नहीं। जैसे आप कह रहे हैं सर कि 32% छात्र अनुपस्थित रहे और 68% छात्र इसमें उपस्थित हुए हैं, तो लगभग फिर भी हमको लगता है कि अच्छी संख्या में छात्रों की उपस्थिति रही है। आपको लगता है 60 से 65 में जा सकता है कट ऑफ? जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन इससे कम नहीं होगा। आप देखिए क्या हुआ है। हाँ, प्रॉब्लम हुआ कि कहीं पर पूछ दिया कैट माने क्या होता है, बिल्ली। हाँ, कहीं माने पूछ दिया रैट माने क्या होता है, चूहा। हाँ, और कहीं पूछ दिया चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग बताओ। हाँ, तो चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग वाला जहां पर क्वेश्चन हार्ड आया है, वहां पर अगर लड़का 45 भी मारा है तो लड़का पास करेगा, क्योंकि परसेंटाइल में बढ़ के उसका 60 से 65 हो जाएगा। इतना मानिए जो लड़के पढ़े हैं और पढ़ने वाले लड़के भी हैं। हमारा बीपीएससी का 150 का बैच है, उस जो फाउंड जो आपको पोठिया वाला बैच है, वो 150 वाला जो बीपीएससी का जो है, उसमें से लड़का परीक्षा देने गया है। बीपीएससी वाले बैठे हैं, बीपीएससी वाले
दरोगा का लड़का परीक्षा देने गया है। अच्छा। दरोगा पर टेस्ट में अचानक भीड़, अचानक जिस दिन परीक्षा उस दिन लड़का गायब। तो निश्चित रूप से लड़के अच्छे हैं, कुछ लड़के अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि हार्ड जगह वाले 45 क्वेश्चंस अगर मारे हैं तो परसेंटाइल में 60-65 के लगभग जाएंगे और उनका रिजल्ट होगा। इसलिए 45 प्लस लेडी और 50 प्लस लेडा हम लोग बोले थे, वो चुपचाप फील्ड धर ले। और ऐसे भी धरे रहे जिनका कम गया है, क्योंकि लगातार बहाली आ रही है और आएगी। मतलब 50 प्लस मेल फील्ड में चले जाएं और 45 प्लस महिला फील्ड में चले, फील्ड में चली जाए एकदम उद्देश्य के साथ कि दे आर गोइंग टू फाइट। जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस के साथ। और उस बाकी जो है, मान लीजिए जो पहली बार दिया है, जो किसी कुछ नहीं जानता है, भर दिया फॉर्म, तो वो भी फील्ड जाए, क्योंकि बहाली फिर आ रही है। बहाली फिर आ रही है, 20,000 बहाली आ रही है। और इतनी बहाली कभी नहीं, 11,800 हम लोग सुने थे, चिल्लाते थे, मिमिक्री भी मेरा बना था। अब उसके बाद 21,391 सीट है, तो इस सीट में निश्चित रूप से इससे ज्यादा कटअप की कैटेगरी वाइज बात करें तो कितने का अंतर देखने को मिल सकता है इस बार? देखिए, ओबीसी जनरल में अब अंतर रहने गया है, बहुत कम अंतर देखने, बहुत कम अंतर, एक अंक दो अंक हो रहा, बहुत हुआ तो दो अंक हो गया। EWS 3-4 अंक घटेगा। महिलाओं के कटअप में, EBC के कटअप में अपेक्षाकृत जनरल OBC SC ST के तुलना में महिला और EBC की संख्या रिजल्ट में ज्यादा रहने वाली है। यह कहिए तो मैं लिख कर आपको दे दूं। और ऐसे में सिपाही का परीक्षा पूरे बिहार में हुआ है। अब पूरे बिहार में जो परीक्षा हुआ है उसमें ताका झाकी भी नहीं हुआ होगा, इसकी कोई गारंटी लेगा? सरकार भी गारंटी नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं OMR खाली छोड़ के आ जा रहे हैं। OMR जो खाली छोड़े हैं ना, वो उनको दलालों ने फंसा लिया है, वो कुछ पैसा दे के फंस गए हैं, वो फेल करेंगे। अगर वो पास कर जाते हैं तो फिर अहिंसात्मक बल पर BPSC सिपाही भर्ती बोर्ड BSSC को हटा देना ही हम लोग का मूल उद्देश्य रह जाएगा, अहिंसा के बल पर माननीय प्रधानमंत्री से। मतलब अगर OMR में खेला हुआ तो रहमान सर चुप नहीं बैठने वाले, कभी नहीं, असंभव असंभव असंभव। अगर इससे ज्यादा कटअप चल गया तो समझिए कि चोरी हुई है। और इससे ज्यादा कटअप नहीं जाएगा। 45 अब बहुत टफ जगह क्वेश्चन आ गया है। लड़का बोला रहमान सर पागल हो गए हैं। अरे पागल हो गए पौड़ा, परसेंटाइल है, परसेंटाइल सिस्टम में जहां पर तुम टफ आया है वहां पर तुम 45 मारा है, लेकिन तुम्हारा जब परसेंटेज बढ़ेगा तो हल्का के 60% चलाएगा, और हमने हल्का देख के कटअप बताया है। इसलिए फील्ड में जाइए, चुपचाप जाइए। आज ही मैं समस्तीपुर पुलिस लाइन में था तो वहां पर करीब 4 सर्जेंट मेजर थे, और संयोग से चारों हमारे गुरुकुल के पुत्र थे और 2 बेटी थी सर्जेंट मेजर। उसके बाद सबसे भेंट हुई तो आज भी यही कहा गया कि ऑफिसर में 70-80% पूर्ति हो गई है, लेकिन सिपाही में अभी सिर्फ और सिर्फ 60% की पूर्ति है, 40% सीट खाली है। सिपाही की नई वैकेंसी कब तक? सितंबर लास्ट तक नई बहाली, बहुत सारी बहाली आएगी, बहुत सारी बहाली। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ रहमान सर थे, और सर का साफ कहना है कि अगर आप मेल हैं तो 50 प्लस और फीमेल हैं तो 45 प्लस, ये ग्राउंड में चले जाएं, हो सकता है आपका भी रिजल्ट हो और पुरजोर तरीके से आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। बाकी सर का साफ कहना है कि 60-65 जनरल मेल का कट ऑफ जा सकता है और 50-55 फीमेल का कट ऑफ जा सकता है। बाकी सर कह रहे हैं कि सितंबर लास्ट तक वैकेंसी भी, नई वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।